अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की सिंपल एडिटिंग है जो कि अभी आपको मैंने क्लिप दिखाया है वीडियो की स्टार्ट में। तो गाइस, शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब पर क्लिक करके अपने चैनल पर जाना है और वहाँ से अपने चैनल का आपने एक शार्ट स्क्रीन लेना है। तो आपने अपने चैनल पे जाने के बाद शार्ट स्क्रीन लेना है, ठीक हो गया इस तरह। तो यहाँ लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में काइन मास्टर होगा, काइन मास्टर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए वहाँ से। तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर देता हूँ। तो काइन मास्टर पे आने के बाद आपने सिंपली प्लस पे क्लिक करके रेशो 16:9 पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने मीडिया पर क्लिक कर देना है ऊपर और यहाँ पर बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने कोई भी बैकग्राउंड लेना है, मैं ग्रे सा ले लेता हूँ, ब्लैक ग्रे। ये लेने के बाद इसको मैं ज़रा एक्सटेंड करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर देना है। मैं सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको वो वाला शार्ट स्क्रीन ऐड कर देना है जो कि अभी आपने लिया है अपने चैनल का। अभी लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये शो हो जाएगा, लेकिन आपने नीचे ज़रा स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपकी चौथी या पांचवें नंबर पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपने इसको सिंपली इसको क्रॉप कर देना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आप ही एज़ इट इज़ सेम कीजिएगा, लेकिन आप बेहतर भी कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। तो गाइस, ये हो चुका है। अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको पहले मैं इतना एक्सटेंड करूँगा और एक्सटेंड करने के बाद इसको मैं ज़ूम कर लूँगा ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। अभी आपने क्या कर देना है, अभी आपने दोबारा लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट एक वीडियो लेनी है और एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे अभी आपने क्या कर देना है, इसी तरह का वीडियो होगा मेरा, तो आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोबारा आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने किस तरह क्रॉप कर देना है, यहाँ पर मेरे चैनल को आपने हटा देना है क्योंकि हर चैनल का ये नाम नहीं होता और यही लोगो नहीं होता। तो आपने यहाँ पर इसको जो है इस तरह क्रॉप करके ओके कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये ओके कर चुका हूँ। अभी आपने दोबारा इस पर क्लिक कर देना है, इसको कुछ इस तरह का पोजीशन दे देना है और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे क्रोमा की पे क्लिक करके इसको अनेबल कर देना है। और यहाँ पे जो है अभी ये हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऊपर आपने इसको एडजस्ट कर देना है। मैं इसको बिल्कुल मतलब 50:50 कर देता हूँ या इस तरह, ठीक हो गया। ये इतना हो जाने के बाद इसको मैं ज़रा और मतलब ओके कर देता हूँ और एडजस्ट कर देता, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इतना कुछ। तो गैस अभी ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जो हमने पहले बैकग्राउंड ऐड किया हुआ था इसको आपने क्या कर देना है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने जो है ब्लू सेलेक्ट कर देना है, नहीं ग्रीन, ग्रीन वाला आपने सेलेक्ट कर देना है। तो इसको ओके कर देना है, तो ये ग्रीन हो जाएगा और इसको भी आपने ओके करके यहाँ पे आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। शेयर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। तो गाइस, ये वीडियो अभी सेव हो चुकी है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आपने यहाँ से सिंपली जाना है साइड, अभी आपने जो वीडियो इसमें एडिट कर देने हैं, जैसे यूट्यूब के लिए आप लेते हो तो ये वाली रेशो सेलेक्ट कर देना है। आप कोई वीडियो ले सकते हो, मैं जैसे कोई यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ या कोई वीडियो ले लेता हूँ आपके सामने। तो मैंने ये वाला पिक्चर ले लिया, ठीक हो गया। ये वाला लेने के बाद आपको अभी क्या करना है कि मैंने जो एडिट किया है आपने क्या कर देना है, लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक करके अभी जो हमने सेव किया है इसको आपने इस तरह ला देना है। और यहाँ पे जब आप लाओगे तो अभी आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको क्रोमा की को अनेबल कर देना है। क्रोमा की अनेबल हो जाने के बाद इसको आपने इस तरह के एडजस्ट कर देना है, ठीक हो गया। तो एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओके करके इसकी पोजीशन भी दे देनी है। आप जहाँ पर इसको पोजीशन देना चाहें, यहाँ पे देना चाहें, वहाँ पे देना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी, बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे इन एनिमेशन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्लाइड अप। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो फिर भी ठीक है, स्लाइड अप। अभी आपको दोबारा इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कह रहा है आउट एनिमेशन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैं स्लाइड डाउन कर देता हूँ तो ये ओके हो जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा आपके सामने प्ले करके दिखा देता हूँ तो ओवरऑल वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।
तो गाइस हमारी आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।